हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लिटरेरी नर्ड्स। सो आज की वीडियो इग्नू के स्टूडेंट्स के लिए रहेगी एंड असाइनमेंट से रिलेटेड वीडियो में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। जिन लोगों को भी दिसंबर सेशन के लिए असाइनमेंट सबमिट करने हैं, काफी डाउट आ रहे हैं बच्चों के कि लास्ट डेट कब है असाइनमेंट सबमिट करने की एंड हमें ऑफलाइन सबमिट करना है असाइनमेंट या फिर ऑनलाइन करना है। सो इस वीडियो में हम यही डाउट्स डिस्कस करेंगे। अगर आप इग्नू के स्टूडेंट हैं एंड आपको भी असाइनमेंट सबमिट करना है तो आप ये वीडियो एंड तक जरूर देखें। सो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बट उससे पहले मैं कहना चाहूंगी कि जो भी हमारे चैनल पर न्यू है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ऐसी और वीडियोस के लिए। एंड अगर आप चाहते हैं कि हमारी वीडियो अपलोड होने की आपको नोटिफिकेशन मिले तो आप बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं। सो काफी स्टूडेंट्स के डाउट्स आ रहे थे इग्नू से रिलेटेड कि हमें असाइनमेंट सबमिट कब करना है। सो जून सेशन वाले जितने भी स्टूडेंट्स थे उनके असाइनमेंट तो कोविड की वजह से ऑनलाइन सबमिट हुए हैं, बट अभी कुछ कुछ रीजनल सेंटर्स ने ऑफलाइन असाइनमेंट्स एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। सो डाउट यही आ रहा है कि लास्ट डेट कब है असाइनमेंट सबमिट करने की एंड कैसे सबमिट करना है, ऑनलाइन या ऑफलाइन। सो यूजुअली इग्नू के असाइनमेंट सबमिट करने की लास्ट डेट 30th September होती है एंड जून सेशन में जिन्हें एग्जाम देना होता है उनके लिए लास्ट डेट 31st March होती है। सो कोविड की वजह से इस बार एक्सटेंड होते होते डेट काफी आगे बढ़ गई थी, तो अभी फिलहाल जिन्होंने दिसंबर सेशन में एग्जामिनेशन देने हैं उनके लिए कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है। सो अगर आप ये मान के चल रहे हैं कि 30th September लास्ट डेट है असाइनमेंट सबमिट करने की, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 30th September लास्ट डेट नहीं होगी, ये एक्सटेंड होगी। कुछ रीजनल सेंटर्स से कांटेक्ट करने के बाद ये पता चला है कि डेट एक्सटेंड करी जाएगी, पर अभी उन्हें भी नहीं पता है कि कितनी एक्सटेंड हो सकती है। सो ऐसा कहा जा रहा है कि अक्टूबर एंड तक मे बी आप असाइनमेंट सबमिट कर पाओगे, बट हाँ एक्सटेंड जरूर होगी, 30th September लास्ट डेट नहीं रहेगी। सो आप बिना टेंशन लिए भी अपने असाइनमेंट्स कंप्लीट कर सकते हैं। सेकेंडली जो डाउट आ रहा है कि ऑनलाइन सबमिट करने हैं या ऑफलाइन सबमिट करने हैं, सो मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया था अपनी कि आपको अपना अपना रीजनल सेंटर चेक करते रहना होगा। अगर आपको ऑनलाइन सबमिट करने होंगे तो वो गूगल फॉर्म के थ्रू या फिर आपको ईमेल आईडी प्रोवाइड करेंगे जिसपे आपको असाइनमेंट्स अपने सबमिट करने होंगे, और अगर ऑफलाइन वो एक्सेप्ट करेंगे तो वो आपको बताएंगे कि आपको रीजनल सेंटर पे सबमिट करने हैं या स्टडी सेंटर पे सबमिट करने हैं। सो जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन होगी असाइनमेंट सबमिशन के रिगार्डिंग वो आपके रीजनल सेंटर्स ही आपको प्रोवाइड करेंगे। सो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप लोग अपने रीजनल सेंटर्स रेगुलर बेसिस पे चेक करते रहें। अगर ऑनलाइन सबमिट करना होगा तो लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा गूगल फॉर्म का या फिर ईमेल आईडी प्रोवाइड कर दी जाएगी। सो आप अपना रीजनल सेंटर चेक करते रहे, अगर ऑनलाइन सबमिट करना होगा तो ऑनलाइन सबमिट कर देना, उसका फॉर्मेट अलग है सबमिट करने का, उस पर भी हमने वीडियो बनाई हुई है, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। एंड अगर आपको ऑफलाइन सबमिट करना होगा तो उसके लिए भी फॉर्मेट है अलग से कि आपको फ्रंट पेज पे क्या लिखना होगा, सो उस पर भी हमने वीडियो बनाई हुई है, तो आप वो भी हमारी इग्नू की प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। Till then, don't forget to subscribe our channel Literary Nerds. And yes, अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कॉमेंट करके बता सकते हैं या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। हमारी आईडी है literarynerds_ और यू कैन मेल एट nerdsliterary@gmail.com। वी विल रिप्लाई यू विद इन 24 hours। सो स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड टेक केयर।